हाय दोस्तों, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि चंद्रग्रहण क्या होता है और किसे कहते हैं, लेकिन आपको पता है कि इस चंद्रग्रहण के भी कई प्रकार होते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में चंद्रग्रहण कितने प्रकार के होते हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रग्रहण तीन प्रकार के होते हैं, पूर्ण चंद्रग्रहण, आंशिक चंद्रग्रहण, खंड छाया युक्त चंद्रग्रहण, या इसी को उपछाया चंद्रग्रहण भी कहते हैं। इन सब में सबसे अधिक प्रभावशाली पूर्ण चंद्रग्रहण होता है। आइए अब हम एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्ण चंद्रग्रहण के बारे में जानेंगे, जिसे अंग्रेजी में टोटल ल्यूनर एक्लिप्स भी कहा जाता है। यह तब लगता है जब पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेता है, तब चंद्रमा लाल या नारंगी रंग का दिखाई देता है और इस समय चंद्रमा पर धब्बे साफ देखे जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति सिर्फ पूर्णिमा को ही देखने को मिलती है। इसे सुपर ब्लड मून भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे आंशिक चंद्रग्रहण के बारे में, जिसे पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स भी कहा जाता है। यह तब लगता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच न आकर इसका कुछ हिस्सा चंद्रमा पर पड़ता है, यानी पृथ्वी की छाया चंद्रमा के कुछ हिस्से पर ही पड़ती है। अब हम अपने अंतिम और लास्ट चंद्रग्रहण के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है खंड छाया युक्त चंद्रग्रहण, जिसे कहा जाता है पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स। यह तब लगता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, लेकिन तीनों एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। इसमें पृथ्वी की बाहरी हिस्से की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह हमेशा आंशिक चंद्रग्रहण से ही शुरू होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको चंद्रग्रहण के प्रकार के बारे में जानकर कुछ तो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।